ये देख लो इनको घर से मारेगा मैं, इसलिए ये चल रहा हूँ इनको, इनकी डर की वजह से मैं चुप बैठा हूँ। 2 महीने हो गए किसी प्रशासन ने मेरे आगे नहीं बोला कि ये बात होगी। और आप सबको मालूम है शंकरलाल जी दलित अध्यापक की घर में घुसकर हत्या की गई थी। इस मामले में आज सैकड़ों लोग पूरे दिन मोर्चरी के बाहर रहे हैं। सरकार तक हमने हमारी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया है। हम समाज बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं, परिवार बरसात के मौसम में संघर्ष कर रहा है, आप सबकी जिम्मेदारी है, जहां पर भी इस आह्वान को आप सुन रहे हैं इसी वक्त ट्रेनों में बैठ जाएं, गाड़ियों में बैठ जाएं और उदयपुर की तरफ कूच कर जाएं। आपकी ताकत सुबह दिखाएगी और इस उदयपुर में जाम हो जाना चाहिए, दलितों की ताकत दिखनी चाहिए। जितने भी साथी लोग इस बात को सुन रहे हैं, यह सामूहिक आह्वान है समाज को, हम आपका सुबह 8 बजे मोर्चरी के बाहर इंतजार करेंगे। करेंगे ना, कम से कम 1000 लोग आज रात को यहाँ पर सो रहे हैं। आप सब लोग भी जो इस आवाज को सुन रहा है, अब की अब चल जाए और सुबह परिवार आपका अपने न्याय के लिए इंतजार करेगा। आप सबको आना है। लड़ने वाली हमलावर ने खुद पर ही चला दी तलवार। सुलुम्बर में एक शिक्षक की तलवार से हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस पकड़ने ही वाली थी, जब उसने खुद पर तलवार चला दी। राजस्थान के सुलुम्बर जिले में एक शिक्षक की तलवार करने वाले हमलावर ने उसी तलवार से हत्या कर ली है। गुरुवार को हमलावर ने तलवार चलाकर शिक्षक का और शिक्षक के पिता का भी हाथ किया। इस घटना में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना को लेकर समाज के लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शुक्रवार को पुलिस ने शिक्षक की हत्या करने वाले फतेह सिंह को सुलुम्बर की जंगलों में पकड़ लिया। फतेह सिंह वहाँ पहाड़ी इलाके में छिपा था। जब वह पानी पीने पहाड़ों से नीचे उतरा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया, मगर उसने उससे पहले ही खुर चला दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस घायल हमलावर को उदयपुर के MB हॉस्पिटल ले गई, जहां चिकित्सा के दौरान उसकी ही मौत हो गई। तलवार से यह घटना सुलुम्बर जिले के जावरमाइस थाना क्षेत्र के आदवास गांव स्थित मेघवाल बस्ती की है। शंकर मेघवाल क्षेत्र के मैधोड़ी स्थित प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हमलावर दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने आए। इसी दौरान हमलावरों ने शिक्षक शंकर मेघवाल पर उसकी वार किया, जिससे शिक्षक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हमलावरों ने शिक्षक के 60 वर्षीय पिता दालचंद मेघवाल के हाथ पर भी वार किया, जिससे इनका हाथ भी कट गया और इनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। इन्हें तत्काल उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर इनका इलाज जारी है।